मेरठ जेल में बंद बिजनौर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष से प्रांतीय सम्मेलन के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल व उवैस अली खान ने जिला कारागार में बंद बिजनौर के जिलाध्यक्ष व चांदपुर चेयरपर्सन पति जीनत पठान के पति शेरबाज पठान से मुलाकात की, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बिजनौर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान को सरकार ने बंद किया हुआ है, सरकार उन पर लगातार मुकदमे लगा रही है, प्रताड़ित कर रही है, वह अपने जिलाध्यक्ष को ताकत देने पहुंचे हैं। बता दें कि मेरठ के माधवपुरम में सेवा दल कांग्रेस का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। प्रोग्राम को समाप्त करने के बाद वह जिला कारागार मेरठ पहुंचे, जहां बिजनौर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष से मिलकर उन्होंने बातचीत की। जिला कारागार के गेट को खुलवाकर कांग्रेसी अंदर प्रवेश कर गए और अपने बिजनौर के जिला अध्यक्ष से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस बार जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है। 2024 में पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देगा। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आफताब आलम, चांदपुर। बताइए, किससे मुलाकात करना है? आज हम सब लोग यहाँ पर अपने सेवा दल का एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था पूरे प्रदेश के, उसमें हम लोग आए थे और अभी हमारे पश्चिम के पूरे जिलों का कार्यक्रम है, वहाँ जाएंगे और इसमें हमारे जिला अध्यक्ष बिजनौर शेरबाज पठान को यहाँ की सरकार ने बंद करके रखा हुआ है और उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है जेल के अंदर बाहर और लगातार उसको मुकदमे लाते जा रहे हैं। इस तरीके के अत्याचार अन्याय जो ये सरकार कर रही है, इससे हम सब लोग अपने जिला अध्यक्ष से मिलने आए थे और उसको ताकत बल देने आए हैं और कांग्रेस पार्टी अपने जिला अध्यक्ष अपने पार्टी कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। क्या रणनीति तैयार होगी 24 की? रणनीति जनता के साथ जुड़ के काम करना है, संघर्ष करना है। जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर चीजें चल रही हैं और मंत्री के घर में हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था आप देख लो, एक ट्रेनी के बच्चे को बचाया, दूसरा अभी कौशल किशोर के बच्चे को बचा रही है सरकार, ये सब जनता के बीच में हम लोग एक्सपोज करेंगे। देखिए, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रदेश, उसको कैसे आप आगे लेंगे? बड़ी जिम्मेदारी के साथ है। आप देखिए, मैं बनते ही सीधे अपने जिला अध्यक्ष से मिलने आया, हमारा जिला अध्यक्ष शेर बंद है तो शेर खेप से मिलने आ गए हम लोग। तो ये बताइए कि एनडीए इंडिया पर भारी पड़ेगा या इंडिया पर भारी, क्या कहना? देखिए, जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता इंडिया के साथ खड़ी है, तो निश्चित तौर से जनता जिसके साथ खड़ी रहती है वही भारी पड़ता है। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।